ओके नाउ लेट्स सी अबाउट एक्यूट सीवियर अस्थमा और स्टेटस अस्थमेटिकस। पहला ये तो एक इमरजेंसी कंडीशन है, एक्यूट सीवियर अस्थमा स्टेटस अस्थमेटिकस। इसकी डेफिनेशन होती है एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ द अस्थमा विच इज अनरिस्पॉन्सिवनेस टू इनिशियल ट्रीटमेंट विथ ब्रोंकोडायलेटर एंड इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ द अस्थमा जो अनरिस्पॉन्सिव होती है टू द इनिशियल ट्रीटमेंट विथ ब्रोंकोडायलेटर एंड इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। क्लिनिकल फीचर्स इसके होते हैं एक्यूट ब्रेथलेसनेस, वीजिंग, टैकिपनिया, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल फॉर रेस्पिरेशन, पल्सस पैराडॉक्सस, टैकीकार्डिया एंड इनेबिलिटी टू कंप्लीट सेंटेंस। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए। उसके बाद असेसिंग द सीवियरिटी ऑफ द अटैक। तो ये सीवियर अस्थमा दो टाइप की हो सकता है, एक तो एक्यूट सीवियर अस्थमा, दूसरा है अस्थमा विद इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर। तो इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर वो तो एकदम ही सीरियस टाइप का होगा, उसके थोड़ा सा लेस सीवियर हुआ है एक्यूट सीवियर अस्थमा। एक्यूट सीवियर अस्थमा में पेशेंट इज अनेबल टू कंप्लीट वन सेंटेंस इन सिंगल ब्रेथ, लाइफ थ्रेटनिंग अटैक। उसमें पेशेंट तो एग्जॉशन होगा, कन्फ्यूजन होगा, और दूसरा वो वर्ड्स में स्पीक करेगा, वो पूरा सेंटेंस भी यूज नहीं करेगा फॉर कम्युनिकेशन। सीवियर अटैक में रेस्पिरेटरी रेट इज मोर देन 25 per minute, पल्स रेट इज मोर देन इक्वल टू 100 per minute, पल्स एक्सपिरेटरी फ्लो रेट इज 33 to 50% एंड PO2 इज लेस देन 90%। लाइफ थ्रेटनिंग अटैक में साइलेंट चेस्ट होगी, इसमें हमें वीजिंग सुनने को मिलेगी, जबकि लाइफ थ्रेटनिंग अटैक में साइलेंट चेस्ट होगी। एरिथमिया और हाइपोटेंशन भी हो सकता है। पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट वो लेस देन 33% होता है एंड ABG शोज हाई PaCO2 मतलब एसिडोसिस। एंड अगेन PO2 सेचुरेशन इज लेस देन 90%। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं, इसमें हमें वीजिंग सुनने को मिलती है, इसमें साइलेंट चेस्ट होती है, इसमें एरिथमिया और हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, इसमें पेशेंट इज अनेबल टू कंप्लीट सेंटेंस, जबकि इसमें एग्जॉशन, कन्फ्यूजन और वर्ड्स में कम्युनिकेट करता है पेशेंट, वर्ड्स सेंटेंस तक तो बात ही नहीं आती। तो ये मेन फीचर पी एक्सपिरेटरी फ्लो रेट इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, लाइफ थ्रेटनिंग में थोड़ा कम होता है। अब मैनेजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट। इमीडिएट ट्रीटमेंट में हम देंगे पहले सप्लीमेंटल O2 के पहले हम देंगे सप्लीमेंटल O2 टू मेंटेन O2 सेचुरेशन एट 94 to 98% प्लस उसके अलावा हम देंगे सालबुटामॉल 5 mg और टर्बुटालिन 10 mg नेबुलाइज्ड विद O2। दो ट्रीटमेंट हो गए अभी, ऑक्सीजन एंड सालबुटामॉल और टर्बुटालिन नेबुलाइज्ड विद O2। अगर सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग है देन वी हैव टू ऐड आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड 0.5 mg per 6 hour। तो मेन अभी इतनी इनिशियल ट्रीटमेंट हो गई, प्लस हमें देना होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन या फिर प्रेडनिसोन स्टीरॉयड देना होता है। हाइड्रोकॉर्टिसोन मोस्टली प्रीफर करता है 100 mg IV। उसके बाद हम पेशेंट को इनिशियल ट्रीटमेंट ये हो गई, ये देने के बाद हम पेशेंट को मॉनिटर करेंगे, उसमें O2 सेचुरेशन देखेंगे, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट। अगर पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट अभी भी लेस देन 75 है देन हम ये पूरी ट्रीटमेंट रिपीट करेंगे। उसके बाद हम मॉनिटर करेंगे ECG फॉर अरिथमिया। अभी भी इम्प्रूव नहीं है देन वी विल एड अ सिंगल डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट 1.2 to 2 gram IV ओवर 20 minutes इन सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग फीचर्स। तो यही ट्रीटमेंट है पूरी एक्यूट सीवियर अस्थमा की। OCHNM ओ से ऑक्सीजन, एस से सालबुटामॉल और टर्बुटालिन विथ नेबुलाइज्ड O2 नेबुलाइज्ड विथ O2, आई से आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड, एच से हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड एम लास्ट में
मैग्नीशियम सल्फेट। इनिशियल ट्रीटमेंट में हम ये देंगे, अगर फिर भी इम्प्रूव नहीं हुआ देन ये रिपीट करेंगे, अगर फिर भी थोड़ी सी सीवियरिटी है देन हम सिंगल डोज ऑफ MgSO4 ऐड कर देंगे। डोजेज याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये थी पूरी मैनेजमेंट। अब आउटकम्स क्या हो सकते हैं, या तो पीक एक्सपिरेटरी फ्लोरेट इंक्रीज कर सकता है और वाइटल स्टेबल हो सकता है। इसमें हम पेशेंट को घर भेज देंगे, साथ ही उसे प्रिस्क्राइब करेंगे मीटर डोज इनहेलर से रेगुलर अस्थमा की ट्रीटमेंट लेना, ICS प्लस फॉर्मेट्रोल प्लस हम ओरल प्रेडनिसोन भी प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये ट्रीटमेंट होगी अगर पेशेंट स्टेबल हो गया तो। लेकिन ट्रीटमेंट देने के बाद भी पेशेंट डिटेरियोरेट कर रहा है, CO2 रिटेंशन हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा रहा है पेशेंट, कॉन्शियसनेस अल्टर हो रही है, देन हम पेशेंट को ICU में शिफ्ट करेंगे जहाँ पे हम कंटिन्यूस स्टेबलाइजेशन करेंगे, IV सल्बिटामोल, IV स्टेरॉइड्स एंड वेंटिलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये पूरी मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट सीवियर अस्थमा। अगर रिकरेंट एपिसोड्स हो रहे हैं देन वी लुक फॉर नॉन कंप्लायंस टू मेडिकेशन, पुअर इनहेलर टेक्निक एंड रिकमेंडेड स्पेस यूजर। अगर रिकरेंट एपिसोड हुआ है तो यही थी पूरी मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट सीवियर अस्थमा की। थैंक यू।